हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी हूँ। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? तो आज मैं किचन में हूँ कुकिंग के लिए, नहीं क्लीनिंग के लिए, क्योंकि दीपावली पास है और थोड़ा सा मैंने सोचा कि किचन की क्लीनिंग कर ले, क्योंकि घर के अंदर तो मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा क्लीनिंग करनी नहीं है, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि अभी 2 महीने पहले ही हम शिफ्ट हुए हैं। तो अभी सब कुछ हम लोगों ने अरेंज किया है, सब कुछ सेट किया है, तो सब कुछ क्लीन है, ऑर्गेनाइज है। लेकिन किचन ऐसा एक जगह है ना जहाँ पर आपको वीकली या 10-15 दिन में थोड़ी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो किचन में रोज़ कुकिंग होती है, ऑयल का काम होता है, तो किचन बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है। तो मैं वीकली या फिर 10 दिन में ना एक बार ऐसे ही डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो मेरे पास एक स्प्रे है जो मैंने यहीं से लिया था, ये किचन क्लीनिंग के लिए ही स्प्रे है। इसमें आप टाइल, कुकटॉप, सारे चीज़ें साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है ये, और स्प्रे करने के बाद ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, ये तुरंत क्लीन हो जाता है। तो ये जो आप कुकटॉप के ऊपर जो दाग देख रहे हैं ये नहीं जाता है, ये पहले से ही हो रखा है, कुकिंग करते करते ये दागें हो जाती हैं और ये नहीं जाती है। चाहे आप कैसे भी कितना भी कोई भी स्प्रे यूज़ करो, वो बिल्कुल क्लीन नहीं होती हैं। तो बस काउंटर टॉप मैंने पहले खाली कर दिया और वहाँ क्लीन कर दिए हैं, और जो भी सामान रखे हुए थे उनको मैं एक बार वॉश कर लूँगी। तो ये जो तेल के जो डब्बे हैं मैंने अभी इनको फिल किया था थोड़े दिन पहले, तो ये क्लीन है। मैं इनको अंदर से साफ़ नहीं करती, मैं 1-1.5 महीने के बाद ही मैं पूरा अंदर से इसे साफ़ करती हूँ। तो अभी ये ज़्यादा गंदे नहीं थे, तो बस मैंने ऐसे ही बाहर से ही इन्हें साफ़ कर दिया है, और इसके बाद इनको सुखा कर मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। और ये सारी चीज़ें जो भी कंटेनर हैं मैं उनको बाहर से ही साबुन लगाकर, सोप लगाकर अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। तो जब भी किचन के डीप क्लीनिंग की बात होती है तो मैं पूरा किचन एक ही दिन नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पार्ट लेकर उनको क्लीन करती हूँ, जिससे कि ज़्यादा टाइम मेरा उसमें नहीं जाए। और साथ में आपको बहुत सारे काम होते हैं, कुकिंग के काम होते हैं, तो अभी मुझे कुकिंग करनी है, अभी लंच बनाना है, तो मैं फटाफट ये सारी चीज़ें क्लीन करूँगी, उसके बाद नहाऊँगी, उसके बाद मैं आज आप सबके साथ राजमा की एक रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत ही टेस्टी है। एक्चुअली मेरे पास बिल्कुल प्याज नहीं था, तो मैं आज बिना प्याज के राजमा बनाऊँगी, तो देखिएगा, और बहुत ही टेस्टी बनती है, और इवन मुझे लगता है कि प्याज वाले राजमा से ज़्यादा टेस्टी बनती है बिना प्याज वाले राजमा। तो चलिए ये पहले क्लीनिंग के काम निपटाते हैं। तो आप सब बताइए, आप लोगों की भी दीपावली की क्लीनिंग हो चुकी होगी या फिर आप लोग कर ही रहे होंगे? और जब मैं इंडिया में थी ना, तो नवरात्र से पहले ही मैं पूरे घर की डीप क्लीनिंग करती थी, लेकिन मैं किचन की सबसे लास्ट में करती थी, क्योंकि किचन ऐसा जगह है ना कि बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है, तो मैं सबसे लास्ट में किचन ही क्लीन करती थी। और इंडिया का जो किचन था वो मेरा बहुत बड़ा भी था, मुझे 2 से 3 दिन लग जाते थे क्लीनिंग करने में, लेकिन ये किचन काफ़ी छोटा है तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही साफ़ करूँगी। और अभी चिमनी की मैं है ना डीप क्लीनिंग करूँगी। अभी चिमनी मैंने ऐसे ही ऊपर से पोंछ दिया है स्प्रे कर, लेकिन मैं इसकी पूरी डीप क्लीनिंग एक दिन करूँगी। तो बस जो भी ऑयल वेल थे वो सारे कंटेनर मैंने फिल कर दिए हैं। तो बस ये जो फ्रंट साइड है, जो कुकटॉप का, जहाँ चॉपिंग कटिंग सब कुछ काम मैं करती हूँ, तो मैं यहाँ थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये वीडियो में भी बहुत अच्छा लगता है और पर्सनली मुझे पसंद है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा समय यहाँ किचन में बिताती हूँ, कुकिंग करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि किचन बहुत सुंदर सुंदर लगे और बिल्कुल हैप्पी हैप्पी माहौल में मैं कुकिंग करूँ। तो जो भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आती हैं, मैं उनको यहाँ फ्रंट साइड में रखती हूँ, जैसे मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल और घी, एक मैं छोटे से कंटेनर में निकाल के अलग से रखती हूँ, और ये बड़े वाले डब्बे में घी रखा रहता है, और इसमें से मैं ये छोटे में फिल कर दूँगी, क्योंकि पूजा का भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो मैं चाहती हूँ कि ये घी अलग रहे पूजा के लिए, तो मैं ये जो डेली यूज़ की जो घी है ये मैं इस छोटे कंटेनर में निकाल कर यहाँ रख देती हूँ। और बस कुछ कटलरी जो भी है मेरे पास मैं यहाँ फ्रंट में ही रखती हूँ, और ये काफ़ी हैंडी हो जाती है यहाँ रखने से। और जो भी चाय पत्ती है और ब्राउन शुगर, शुगर और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ रखती हूँ। और ये जो छोटा सा आप देख रहे हो कंटेनर, इसमें मैं जैसे अदरक बच जाता है या फिर लहसुन बच जाता है मैं इसमें रख देती हूँ,
और शुगर पाउडर था पाउच मेरे पास, वो है। तो ये जो कंटेनर है ये, इसमें से जो शुगर है ये कम हो गए थे तो इनको भी मैं फिल कर दूँगी। तो ये जो आप चीनी और चाय पत्ती का जो कंटेनर देख रहे हैं ना, इसमें ये पास्ता सॉस रखा हुआ था, और जैसे ही पास्ता सॉस ख़त्म हो गया तो ये कंटेनर मुझे इतना पसंद आया ना, तो मैंने इसको अच्छे से वॉश करके फिर मैं इसको रीयूज़ करती हूँ, और इसमें मैं चाय पत्ती, चीनी, ब्राउन शुगर रखती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कंटेनर, ये कांच का है और काफ़ी अच्छा है, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा लगा मुझे, और पतला पतला है, लंबा सा, तो इसमें काफ़ी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो इनको मैं यहाँ काउंटर टॉप पर ही रखती हूँ, और बस चाय पत्ती वत्ती सब कंटेनर में खाली हो गए थे तो सबको मैं रिफ़िल करके यहाँ पर रख दे रही हूँ। वैसे मैं किचन की क्लीनिंग हमेशा करते रहती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ गंदगी ना थोड़ी कम होती है, पता नहीं यहाँ मे बी यहाँ पर डस्ट नहीं है ज़्यादा, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है शायद, इसलिए मैं ना ज़्यादा सफाई में नहीं लगी रहती हूँ, ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है, मैंने देखा है इन 2 महीनों में। जैसे कि मैं जब इंडिया में थी तो पता नहीं मुझे हर दूसरे दिन डस्टिंग करनी होती थी, और गर्मियों में तो रोज़ डस्टिंग करनी होती थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता था। लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ बिल्कुल डस्ट नहीं होता है, और ज़्यादा चीज़ें गंदी नहीं होती है, पता नहीं क्यों। तो मेरा बहुत टाइम सेव होता है इन सभी चीज़ों में। तो यहाँ पर अगर आप 2-2, 3-3 दिन अगर झाड़ू पोंछा नहीं करो तो भी आपका घर बिल्कुल क्लीन रहेगा, चमकता ही रहेगा। तो बस यहाँ पर ज़्यादा डस्ट नहीं होता है और ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, तो शायद इसलिए ज़्यादा काम में मेहनत नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर बहुत आराम से है ना चीज़ें हो जाती हैं बस। और ये कुकटॉप के ऊपर भी मैं थोड़ी सी चीज़ें यहाँ रखती हूँ जिससे कि अच्छा लगता है, ये सुंदर लगता है। तो ये स्मार्ट कुकिंग विद प्रियंका का जो बोर्ड है ये भी मैंने यहाँ रख दिया है, और बस थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं ना जो मुझे पसंद आते हैं छोटे छोटे, वो भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ। और ये सब बहुत पुराने हैं, कुछ कुछ तो मेरी जो बड़ी वाली बेटी है उनके भी टॉय हैं, तो वो भी मैं यहाँ रख देती हूँ। तो हम लोग, आप सबको तो पता ही है कि यहाँ हम रेंट के घर पर रहते हैं, तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से ज़्यादा कुछ चीज़ें तो कर नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं, तो जो भी है जैसा भी है हम उसी में थोड़ी बहुत चीज़ों को डेकोरेट करके और थोड़ा सा खूबसूरत बना सकते हैं, ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे कि दीवारों पर हम कील वील नहीं डाल सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो जो भी चीज़ें हैं मेरे पास थोड़ी बहुत चीज़ें मैं उन्हीं से डेकोरेट करती हूँ। तो बस ये है आफ्टर क्लीनिंग मेरे किचन का लुक, और बस नॉर्मल सा सिंपल सा है, तो अच्छा लगा हो। बस मुझे है ना कि क्लीन होना चाहिए किचन, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और थोड़ा सा डेकोरेट होना चाहिए बस किचन, और बस अच्छा लगता है ना, क्योंकि बहुत सारा समय हम यहाँ बिताते हैं, और मुझे लगता है ना कि सबसे ज़्यादा क्लीन किचन ही होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर खाना बनाते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुक करते हैं, तो ये जगह ना सबसे ज़्यादा क्लीन होना ही चाहिए। तो बस इस तरह से कुछ किचन मेरा दिख रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्लीन सा, और बहुत संतुष्टि मिलता है जब क्लीनिंग करो तो। और इसी तरह से मुझे एक दिन और लगना होगा और बाकी के किचन को क्लीन करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं नहा वहा कर आ गई थी, और अब मैं आप सबके साथ राजमा की रेसिपी शेयर करूँगी, और वो भी बिना प्याज के, और आप चाहे तो इसमें लहसुन भी नहीं डाल सकते हैं, तो बिना प्याज और लहसुन का बन जाएगा आपका राजमा। तो यहाँ मैंने मिक्सी डाल लिया है, और उसके बाद 6 से 7 बड़े लहसुन मैंने इसमें डाले हैं, अदरक, लाल मिर्च, हरी मिर्च, और ये 1.5 चम्मच मैंने इसमें धनिया डाला है, और इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच हल्दी, और थोड़ा सा काली मिर्च डाल दिया है मैंने, और इसके बाद मैंने इसमें लगभग 1 भरकर चम्मच मैंने इसमें किचन किंग डाला है, और बस इनको मैं पीस लूँगी। तो ये सारे सूखे मसाले भी मैंने इसमें डालकर अच्छी तरह से पीस लिया है, और ऊपर से मैं फिर कोई मसाला इसमें नहीं डालूंगी। और दही मैंने लिया है, तो लगभग 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें दही लिया है, और जो मसाले मैंने पीसे थे मैं इसी में मिक्स कर दूंगी। तो ये दही और मसालों का एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा,
और ये जब आप पेस्ट बना लेंगे तो फिर ये सब्ज़ी बनाना ना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और उसके बाद एक्स्ट्रा मुझे बस इसमें नमक डालना होगा सब्ज़ी में, और कोई भी मसाले या कुछ भी अलग से नहीं डालने हैं। फटाफट मैं इसमें तड़का लगा देती हूँ। तो बस मैंने एक कढ़ाई लिया था और उसमें मैंने तेल डाल दिया है, और उसके बाद मैंने ये एक बड़ा टमाटर मैंने डाल दिया है, और आपके पास मीडियम साइज़ के हैं तो दो टमाटर लें आप। और प्याज था नहीं इसलिए प्याज मैंने डाला नहीं, और अगर आपके पास प्याज हो तो आप पहले प्याज भून लें उसके बाद टमाटर डालें। तो और उसके बाद जो जो भी प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम ही होंगे। तो बस टमाटर मैंने डाला और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है जिससे कि टमाटर जल्दी से गल जाए। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से टमाटर भी पक चुका है हमारा। और इसके बाद जो हमने दही और मसालों का जो पेस्ट बनाया था वो हम डाल कर पकाएंगे। तो जो भी आप सब्ज़ी बना रहे हो ना, अगर उसमें प्याज नहीं डालो ना तो वो सब्ज़ी बहुत जल्दी फटाफट बन जाती है, क्योंकि प्याज भूनने में ही आधा समय डालता है। और उसके बाद आप टमाटर डाल के फिर उसके बाद मसाले डाल के आप उस सब्ज़ी को पकाओ तो बहुत ज़्यादा समय जाता है। अगर आप प्याज नहीं डालो ना तो आपका जो सब्ज़ी है ना वो आधे समय में पक कर तैयार हो जाता है। तो बस इन मसालों को बहुत अच्छी तरह से पकाना है कि तेल इसके ऊपर आ जाए मसालों के, और बस इसको ढककर मैं पकाऊंगी थोड़ी देर। तो मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, मसालों ने तेल छोड़ दिया है। तो इसके बाद मैंने सुबह जो राजमा उबाला हुआ था वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो राजमा मैं उबालते वक्त मैंने इसमें कुछ खड़े गर्म मसाले डाले थे, जैसे बड़ी इलायची डाली थी, दो छोटी इलायची डाली थी, और तीन से चार लौंग डाले थे, और एक तेज़पत्ता डाला था। तो बस इनको मैं निकाल दूंगी क्योंकि इन्होंने अपना काम कर दिया है, जो भी फ्लेवर है वो राजमा में आ चुके हैं। तो बस इनको मैं साइड कर दूंगी और उसके बाद इन मसालों में राजमा को मिक्स कर दूंगी। तो बस इस तरह से मसालों में 2 से 3 मिनट मैंने राजमा पकाया है, और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो अगर आप रोटी या फुलके या पूड़ी के साथ इस राजमा को खा सकते हैं तो आप ऐसे ही इस राजमा को खा सकते हैं, ये बनकर बिल्कुल तैयार है। लेकिन अगर आप चावल के साथ इसको खाना चाहते हैं तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालना होगा, ग्रेवी चाहिए होती है चावल के साथ। तो बस मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसके बाद इसको मैं ढक करना 6 से 7 मिनट तक के लिए उबालूँगी। तो 6 से 7 मिनट तक के लिए इसे ढककर मैंने पकाया है और राजमा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और लास्ट में आप चाहे तो इसमें थोड़े से गरम मसाले डाल सकते हैं, लेकिन मैंने राजमा को उबालने वक्त थोड़े खड़े गरम मसाले डाले थे, तो जो भी गरम मसाला का फ्लेवर है इसमें आ चुका है। तो मैं ऊपर से इसमें गरम मसाले नहीं डालूँगी, और मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है गरम मसालों का टेस्ट, तो मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। और ये राजमा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। आप इसके ऊपर से धनिया खूब सारा काट कर डाल दें। तो मेरे घर में ना सबसे ज़्यादा मुझे ही राजमा चावल पसंद है, तो मैं एक वीक में एक बार तो ज़रूर बना ही लेती हूँ राजमा चावल। तो बस राजमा बनकर बिल्कुल तैयार है, चावल मैंने चढ़ा दिया था, साइड में पक गया था। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो मैंने सिंपल सा राइस बनाया है, इसके साथ ज़ीरा राइस भी बहुत टेस्टी लगता है। तो बस चावल और राजमा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड बीन्स की भुजिया बनाए हैं तो वो भी मैं थोड़ी सी लूँगी, और बस चावल के ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया है, और सिंपल सी बीन्स की भुजिया और चावल और राजमा, और ये है हमारा आज का लंच, और फटाफट बन गया जल्दी जल्दी। और उसके बाद आज हेलोवीन था तो शाम में हम लोगों ने हेलोवीन पार्टी की है, और ज़्यादा कुछ तो नहीं। और उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए घूमने फिरने, हमारा पहला हेलोवीन था तो हमें देखना था कि कैसे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और आजकल तो इंडिया में भी हम लोग हेलोवीन सेलिब्रेट करते थे, और स्कूल में काफ़ी कुछ होता था एक्टिविटीज़, तो बहुत मज़ा आता था। और बस हम लोग बाहर गए और इतना मज़ा आया, पहली बार मैंने इतने सारे बच्चे देखे थे जो हमारी सोसाइटी है उसमें। तो बस ऐसे ही है ना, यहाँ पर सभी लोगों ने डेकोरेट करके रखा हुआ था हेलोवीन थीम पर पूरा घर, और पूरा भूतिया माहौल बना रखा था उन लोगों ने। और बच्चे सारे बच्चे हैं ना, हाथ में बैग लिए हुए,
बकेट लिए हुए हैं और घर घर जाकर वो टॉफ़ी लेते हैं, चॉकलेट और चिप्स बहुत कुछ होता है। तो बच्चे इतने खुश होते हैं, इतना मज़ा करते हैं, बहुत मज़ा आया। और इतने सारे बच्चे थे, सारे ग्रुप में जा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और सारे पेरेंट्स पीछे 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 उनके, तो एक अलग ही मॉल था, एक अलग ही एक्सपीरियंस था और मज़ा आ गया था, बहुत मज़ा आया था। और इतने सारे चॉकलेट्स, चिप्स और बहुत कुछ गिफ्ट था। और ये देखिए छोटे से क्यूट दो दो बच्चे सारे जो हेलोवीन गेटअप में थे और बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर लग रहे थे। तो बस इसी तरह से हमारा हेलोवीन बीता। तो 2-3 घंटे तक हम ऐसे ही घूमते रहे और सब जगह हम लोगों ने डेकोरेशन देखा हेलोवीन का, और बच्चों लोगों ने अपने गिफ्ट्स कलेक्ट किए और बच्चों के काफ़ी सारे फ्रेंड्स बने और काफ़ी सारे इंडियंस फैमिलीज यहाँ पर हैं, तो वो हमारे फ्रेंड्स बने। हम लोगों ने एक दूसरे से अपने नंबर्स शेयर किए, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया हेलोवीन में। यहाँ हेलोवीन में ना सारे जो घर में सभी लोग बच्चों को बुला बुला के गिफ्ट्स देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं। और अगर कोई घर में नहीं होता है तो अपने घर के सामने एक बड़ा सा बास्केट रखा होता है और उसमें खूब सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट्स होते हैं, तो बच्चे वहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत ही अलग सा, बहुत ही डिफरेंट सा फेस्टिवल है जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मज़ा किया हम लोगों ने। और देखिए कितने सारे चॉकलेट, चिप्स, गिफ्ट्स मिले, और छोटी वाली तो 1 घंटे तक बिजी रही इसमें। तो बस इसी तरह से हेलोवीन बीता हमारा। बहुत ही प्यारा सा फेस्टिवल है और बहुत ही भूतिया माहौल बना रखा था सब लोगों ने। और बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।